एक खास बात और मैंने सुनी है उस चीज के विषय में भी मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगा कि जो मठ की भूमि है उस पर स्वामी जी ने यहाँ वैसे मैं आपको बता दू हम यहाँ समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर हैं और यहाँ से थोड़ी दूर ही आपको ग्लेशियर भी मिल जाएगा जो हिमखंड हैं हिमालय के वो मिल जाएंगे और यहाँ से लगभग साठ सत्तर किलोमीटर की दूरी पर कैलाश मानसरोवर कैलाश ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी है और इसी मार्ग से सारे भक्तगण कुमाऊ मंडल विकास निगम के सहयोग से या इसी यात्रा मार्ग से जाते हैं धारचूला होते हुए तो स्वामी जी से मैं जानना चाहूंगा कि एलोवेरा की खेती जो कर रहे हैं इस भूमि पर वो विचार कैसे स्वामी जी के मन में आया और किस तरह से वो खेती वो कर रहे हैं देखा कि आज हर चीज साबुन से लेकर दंतमजन से लेकर खाने से लेकर रामदेव जी से लेकर रविशंकर जी से लेकर सारे लोग ही एलोवेरा प्रोडक्ट एलोवेरा प्रोडक्ट कर रहे थे मैंने भी सोचा कि पहाड़ के लोगों की सेवा में ला करके राजस्थान से तीन चार लाख रूपया ला करके लगा आपको बता दें कि एलोवेरा एक सर्वसुलभ पौधा है यह सभी स्थानों पर सभी लोग अपने घरों में लगाते हैं वैसे तो इसकी व्यावसायिक खेती गर्म प्रदेशों में होती है जो गर्म स्थान हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं रुकता है उन स्थानों पर इसकी खेती बेहतर होती है जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश आदि हैं वहाँ पे इसकी व्यावसायिक खेती बहुत बृहद स्तर पर होती है हम बता दें कि यहाँ पे लगभग समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर हैं अभी और इस स्थान पर स्वामी जी द्वारा एलोवेरा की खेती की गई है यह निश्चित रूप से पहाड़ के लिए एक बहुत ही अच्छा विषय है इसे कुमारी के नाम से गृत कुमारी से गीत कुमार के नाम से एलोवेरा जो सामान्य रूप से कहा जाता है उन नामों से जाना जाता है आयुर्वेद के अनुसार इसका जो रस होता है वह तिक्त और मधुर होता है ये ठंडी तासीर वाला यानी शीत वीर्य वाला पौधा है इसका पत्ता पत्ते के अंदर जो गूदा होता है यानी सत्व होता है उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है औषधीय गुणों की बात करें तो यह तीनों दोषों को शांत करने वाला होता है त्रिदोष शामक होता है और इसके सांस्थानिक प्रभाव की बात करें तो यह एकृत संस्थान यानी कि जो लीवर से संबंधित बीमारियां हैं पेट से संबंधित बीमारियां हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है इसके साथ में ये प्रजनन संस्थान गर्भाशय से संबंधित विकारों में भी आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और सामान्य रूप से जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो भी इन बिकारों में इसका प्रयोग करते हैं साथ ही आयुर्वेद की विभिन्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और यहाँ तक अब एलोपैथिक फार्मा इंडस्ट्रीज़ भी एलोवेरा के इंग्रेडिएंट्स को एज ए मेडिसिन प्रयोग करने लगी हैं बहुत से सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों और अन्य औषधीय उत्पादों में एलो एलोवेरा की बहुत मांग है हम अपने घरों में भी गमलों में क्यारियों में एलोवेरा की खेती करके उसके औषधीय गुणों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या सभी प्रकार के पाचन संस्थान के विकारों में भूख ना लगना हो अम्ल पित्त की बीमारी हो या कम पाचन की समस्या हो लॉस ऑफ एपेटाइट हो उन बीमारियों में एलोवेरा के गूदे का रस या उसका पानी बहुत ही लाभप्रद होता है सभी प्रकार के त्वक विकारों में चाहे वो इन्फेक्शियस हो या एलर्जिक हो उनमें एलोवेरा का बहुत ही बेहतर प्रयोग होता है इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधन के रूप में एलोवेरा अब बहुत ही विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है और इसकी अगर व्यावसायिक खेती उत्तराखंड में शुरू की जाती है उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं घाटी वाले क्षेत्र हैं उनमें एलोवेरा की खेती करके यहाँ पर स्थानीय प्रोसेसिंग या सेमी प्रोसेसिंग के उद्योग स्थापित करके हम उत्तराखंड के आर्थिक विकास और यहाँ के जो युवा हैं प्रवासी युवा हैं या अन्य बेरोजगार युवा हैं वो इस क्षेत्र में निवेश कर और इस क्षेत्र में निवेश करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार से रोजगार देकर उनके आर्थिक विकास में सहयोग कर सकते हैं और यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी क्षेत्र है यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी है और यहाँ पर योग आयुर्वेद से संबंधित साधना केंद्र योग चिकित्सा केंद्र पंचकर्म चिकित्सा केंद्र आदि की बहुत अधिक संभावनाएं हैं आ, वेलनेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी बहुत प्रयास किया जा रहा है और इस क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं बहुत सारे इंसेंटिव्स ग्रांट आदि की व्यवस्था की गई है और यहाँ के स्थानीय उद्यमी और बाहर के उद्यमी भी जड़ी बूटी कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनिक कृषि के क्षेत्र में वेलनेस उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में एक बेहतर संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में निवेश कर उत्तराखंड के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं